नमस्कार और आप सब देख रहे हैं दिल्ली 99। एलजी अनिल बैजल ने किया दिल्ली की छठी विधानसभा को भंग, होगी 11 फरवरी से तत्काल प्रभाव से लागू। मंगलवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली की छठी विधानसभा को भंग कर दिया। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 फरवरी मंगलवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की छठी विधानसभा को भंग कर दिया। आज की मतगणना के बाद सातवीं विधानसभा का गठन होगा। सामने आए चुनाव परिणाम से ये तो साबित हो चुका है कि आम आदमी पार्टी पूर्ण प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी के ऑफिस में जोरों शोरों पर जीत का जश्न है, तो वहीं मिठाइयों के साथ बैंड बाजे की आवाज भी सुनाई दे रही है। आम आदमी पार्टी दोबारा दिल्ली की सत्ता में बैठने जा रही है, तो वहीं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इस जीत पर मनोज तिवारी ने केजरीवाल को बधाई देते हुए कहा कि हम नहीं करते नफरत की राजनीति। इसी हार को स्वीकार करते हुए जेपी नड्डा ने भी कहा कि बीजेपी इस जनादेश को स्वीकार करती है और अब साथ में रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी, तो वहीं विकास से जुड़े हर मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी। जेपी नड्डा ने अरविंद केजरीवाल को बधाई देते हुए बोला है कि इस विश्वास के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी विकास का कार्य करेगी। अब तक सामने आए चुनाव परिणाम में आम आदमी पार्टी ने 50 सीटें जीती, तो वहीं बीजेपी ने कुल 5। अभी भी 13 सीटों की बढ़त के साथ आगे बढ़ रही आम आदमी पार्टी, तो 2 सीटों की बढ़त के साथ बीजेपी, और इसी के साथ कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। और इसी के साथ दिल्ली में 147 उम्मीदवारों की जमानत जब्त कर ली गई है, जिसमें 3 आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल हैं। और न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली 99।